दोस्तों आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले यह बताया कि भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है, इसके बाद कितना लिंगानुपात है, कितना साक्षरता है, अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या कितना है भारत में, कितना उनकी साक्षरता है, कितना उनका दशकीय वृद्धि है, इसके अलावा किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है, किस राज्य में सबसे कम है, कहाँ सबसे अधिक साक्षरता है, कहाँ सबसे कम है, इसके बारे में मैंने कई वीडियो बनाकर आप लोगों को जानकारी दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप भारत की जनगणना 2011 से संबंधित जो भी वीडियो है आप उसको देख सकते हैं, उससे आप लाभ उठा सकते हैं। पहले हम यह देखेंगे कि धर्म आधारित साक्षरता सबसे अधिक किस धर्म के लोगों में है। आइए पहले उसको हम लोग देखते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई साक्षर है तो वह जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं। जैन धर्म को मानने वाले लोग सबसे अधिक साक्षर हैं। इनकी साक्षरता जो है 94.6% है। यानी भारत में जो जैन धर्म के लोग निवास करते हैं उनकी साक्षरता लगभग 94.6% है। भारत में सबसे अधिक साक्षर जैन लोग को माना गया है जनगणना 2011 के अनुसार। दूसरे स्थान पे ईसाई हैं, इनकी साक्षरता 84.5% है, यह दूसरे स्थान पे है। ईसाई की साक्षरता 84.6% है। तीसरे स्थान पे साक्षरता के मामले में बौद्ध है 81.3%। यानी बौद्ध धर्म की साक्षरता जो लोगों की है वह 81.3% है। चौथे स्थान पे सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं जिनकी साक्षरता 75.4% है। सिख लोगों की साक्षरता 75.4% है, ये चौथे स्थान पे है। पांचवें स्थान पे हिंदू है, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, इनकी साक्षरता जो है 73.3% है, ये पांचवें स्थान पे है। और सबसे कम साक्षर मुसलमानों की है, ये छठे स्थान पे है। इनकी साक्षरता 68.3% है। यानी सबसे कम साक्षर मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं और सबसे अधिक साक्षर जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं। कभी कभी प्रश्न हमेशा यह पूछ देता है किस धर्म के लोग सबसे अधिक साक्षर हैं, तो जैन धर्म के लोग सबसे अधिक साक्षर हैं। इनकी साक्षरता 94.6% है। और सबसे कम किस धर्म को मानने वाले लोग साक्षर हैं, है मुसलमान 68.3% इनकी साक्षरता है। अब यह भी जान लेते हैं कि किस राज्य में किस धर्म को मानने वाले सबसे अधिक लोग वास करते हैं, यानी वहाँ पे रहते हैं। तो सबसे पहले हिंदू धर्म को मानने वाले सबसे ज़्यादा लोग हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। 95.17% हिमाचल प्रदेश में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग निवास करते हैं। यह भी कभी कभी प्रश्न पूछ देता है। अगर यह पूछे कि मुसलमान यानी मुस्लिम धर्म को मानने वाले किस राज्य में सबसे ज़्यादा रहते हैं प्रतिशत के मामले में, तो वह है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप याद रखिए, यह केंद्र शासित राज्य है, यहाँ पे है ये लक्षद्वीप, ठीक है, ये है लक्षद्वीप। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुसलमान है, 96.58% मुस्लिम यहाँ पे वास करते हैं। अब यह पूछे कि सबसे ज़्यादा ईसाई लोग कहाँ वास करते हैं, तो सबसे ज़्यादा ईसाई नागालैंड में है,
यहाँ पर लगभग 87.93% ईसाई लोगों की संख्या है प्रतिशत में। यह भी याद रखें, यहाँ प्रतिशत की बात हो रही है। अगर यह पूछे कि सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले किस राज्य में निवास करते हैं प्रतिशत में, तो वह है सिक्किम। यहाँ पे लगभग 27.39% बौद्ध लोग वास करते हैं, यानी उनकी सबसे ज़्यादा संख्या अगर प्रतिशत में देखा जाए तो सिक्किम में है। अगर प्रश्न पूछे कि हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा किस राज्य में वास करते हैं हिंदू धर्म को मानने वाले, तो हिमाचल प्रदेश में 95.17% है। मुस्लिम धर्म को मानने वाले सबसे ज़्यादा किस राज्य या केंद्र शासित में रहते हैं, तो लक्षद्वीप में 96.58%। और ईसाई धर्म को मानने वाले सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहते हैं प्रतिशत में, तो नागालैंड में। और बौद्ध धर्म को मानने वाले कहाँ रहते हैं, तो सिक्किम में। आइए मैप से देखते हैं, हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश है, मुस्लिम लोग लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है, ईसाई नागालैंड, ये नागालैंड है, बौद्ध धर्म सिक्किम में, ये सिक्किम का क्षेत्र है, मैप के थ्रू भी हम जान लें। आइए अब एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों बराबर ये प्रश्न पूछता है कि किस धर्म में सबसे अधिक साक्षरता है और किस धर्म में सबसे कम साक्षरता है। जैन धर्म में जहाँ 94.6% साक्षरता है, ईसाई धर्म में 84.5% साक्षरता है, दूसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पे बौद्ध धर्म जहाँ साक्षरता 81.3% है। चौथे स्थान पे सिख धर्म जहाँ साक्षरता 75.4% है। पांचवे स्थान पे हिंदू धर्म जहाँ साक्षरता 73.3% है। और छठे स्थान पे मुसलमान धर्म जो 68.3% लोग इसमें साक्षर हैं। यह भी पूछा है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म निवास करते हैं प्रतिशत में, तो वह है हिमाचल प्रदेश। मुस्लिम धर्म को मानने वाले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवास करते हैं, तो लक्षद्वीप में। ईसाई धर्म को मानने वाले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में निवास करते हैं, तो नागालैंड में। बौद्ध धर्म को मानने वाले प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करते हैं, तो सिक्किम में। अब इसको मैप में भी देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश यहाँ है जहाँ हिंदू लोग सबसे ज़्यादा वास करता है, सिक्किम यहाँ है जहाँ बौद्ध लोग सबसे ज़्यादा वास करता है, नागालैंड यहाँ है जहाँ ईसाई लोग सबसे ज़्यादा वास करते हैं, और लक्षद्वीप यहाँ पे है जहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान धर्म को मानने वाले लोग निवास करते हैं। यह भी प्रश्न बार बार पूछता है कि सर्वाधिक जनसंख्या पूरे विश्व में किस देश का सबसे अधिक है और प्रतिशत में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश का सबसे अधिक है। आइए एक एक कर हम जानते हैं कि पहले स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे कौन है, उसके बाद कौन सा देश आता है। पहले स्थान पे चीन है, पहले स्थान पे चीन है। यहाँ की जनसंख्या अगर करोड़ में देखें तो 135.4 करोड़ है चीन की जनसंख्या। यह याद रखिएगा कि चीन की जनसंख्या जो है 135.4 करोड़ है। और प्रतिशत में देखें तो पूरे विश्व का 19.4% इसकी जनसंख्या है चीन की। दूसरे स्थान पे भारत का आता है, भारत की जनसंख्या 121.6 करोड़ है, भारत की जनसंख्या 1.21 करोड़ लगभग है। और इसकी जो पूरे विश्व में प्रतिशत में 17.5% जनसंख्या पूरे विश्व की भारत में निवास करती है। यह दूसरे स्थान पे है भारत। तीसरे स्थान पे यूएसए है, यहाँ पे लगभग 31.6 करोड़ जनसंख्या निवास करती है और पूरे विश्व का 4.5% जनसंख्या
यूएसए में यानी अमेरिका में रहता है। अब चौथे स्थान पे इंडोनेशिया है। इसकी जनसंख्या लगभग 24 करोड़ के आसपास है, ये चौथे स्थान पे है। और यहाँ पे लगभग 3.4% पूरे विश्व की जनसंख्या का लोग निवास करते हैं। पांचवें स्थान पे अगर वह कोई देश है तो वह है ब्राजील। इसकी जनसंख्या 20 करोड़ के आसपास है और यह पूरे विश्व की यहाँ पे जनसंख्या प्रतिशत में छठे स्थान पे पाकिस्तान है, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान। यहाँ पे लगभग 18 करोड़ की जनसंख्या है और प्रतिशत में अगर देखा जाए तो 2.7% के आसपास यहाँ जनसंख्या निवास करती है। पाकिस्तान छठे स्थान पे है, यहाँ पे लगभग 18 करोड़ की जनसंख्या वास करती है और यह लगभग 2.7% के आसपास है। सातवें स्थान पे बांग्लादेश है। यहाँ लगभग पूरे विश्व का 16 करोड़ जनसंख्या निवास करता है, अगर प्रतिशत में देखें तो 2.4% यहाँ पे जनसंख्या रहता है। आठवें स्थान पे रूस है, जहाँ लगभग 14 करोड़ जनसंख्या है और प्रतिशत में देखें जो 2.0% है।